जनपद में फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले फरियादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनसुनवाई में समीक्षा के समय यह सामने आया कि बहुत से ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो बार बार फर्जी IGRS डालते हैं, जिसमें पुलिस विभाग को परेशानी होती है, जिसको देखते हुए सभी IGRS की समीक्षा करने के निर्देश दिया गया है। जो कि शिकायतकर्ता बार बार IGRS डाल रहे हैं, उनको बुलाकर बात करके उनके समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को परेशान करने के लिए झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका था, जिस पर मेरे द्वारा पुलिस लाइन में जनसुनवाई का कार्यक्रम किया गया था, जहां पर सभी SP ने बैठक करके जनता की समस्याओं का समाधान किया गया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उसी तरह आगे भी समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा IGRS एक अच्छी सुविधा है जो कि शासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। इस सुविधा का दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विभाग को परेशानी होती है, काम में बाधा आती है, इसलिए जरूरत हो तभी IGRS पर शिकायत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा उसे वो गैस में परीक्षा देने जा रहे थे, सर उसी जांच में पूछे थे वो। अरे वो तो बात सही है, अभी ये तो मैं काट नहीं पाऊंगा ना, मैं कैसे काट दूं अपनी जांच करके निशान को। हां ये वही डिटेल भी दिया है पीछे, वहां कौन रहता है? अभी सात बजे से कौन रहता है? कौन नहीं रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां लोकल थाने में जाएंगे, वहां देख लेंगे, वहां रहते हैं नहीं रहते हैं, ठीक रहते हैं। एक न्यू लेटर बना के अपने अपनी तरफ से एक लेटर बना के जो खाना है DCP जो वहाँ के DCP साहब के लिए भेजिए, हमारे यहाँ से जल्दी से करवा देते हैं। इसमें जन सुनवाई में समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई शिकायतकर्ता हैं जो बेवजह बार बार IGRS डालते हैं, और उसमें विभाग के संसाधन और अन्य लोग जो जन सामान्य के हैं उनको भी परेशानी होती है। इसको देखते हुए हमने सभी IGRS की शिकायतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता बार बार IGRS डाल रहे हैं उनको बुलाकर उनकी समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा, और यदि कोई झूठी शिकायत भी करता है लोगों को परेशान करने के लिए, गांव के लोगों पर पेशबंदी करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तो उनके खिलाफ़ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण पूर्व में भी सामने आया था, जिस पर हमने एक जनसुनवाई का बड़ा वृहद कार्यक्रम किया था, जहां हमारे सभी SPs ने बैठ के शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की, स्वयं मैंने भी की थी, और उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, और उसी प्रकार अब फिर से समीक्षा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो डालते हैं? जी देखिए, IGRS जो है एक सुविधा है जो शासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है लोगों को। ये सुविधा का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जन सामान्य को परेशानी होती है, और जो साधन है विभाग के उन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो जो ज़रूरतमंद है वो IGRS का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग ना करें, ये मेरी सबसे अपील है। सर